दिवाली का त्योहार अब आने ही वाला है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग काफी मिठाइयाँ खाते हैं। त्योहार के सीजन में आप मिठाई खाने से बच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर आप स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके बुरे असर को दूर कर सकते हैं। जाने दिवाली के त्योहार के दौरान खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए क्या करें। आयुर्वेदिक चाय। दिवाली के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, इससे डाइजेशन ठीक रहता है। इसके लिए काफी मात्रा में पानी और जूस वगैरह का सेवन करें। इसके साथ ही अपने दिन की शुरुआत सामान्य चाय के बजाय आप एक आयुर्वेदिक स्लिमिंग चाय पीकर करें। ये चाय वसा को कम करने के साथ ही मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, इससे भूख भी नियंत्रित रहती है। इस चाय को पीने के बाद आपको जंक फूड खाने का भी मन नहीं करेगा। ब्रेकफास्ट। नियमित तौर पर ब्रेकफास्ट करें, इससे मेटाबॉलिज्म सही रहता है। नाश्ते में आप एक गिलास स्किम्ड मिल्क, दो अंडे का सफेद भाग और गेहूं की रोटी या टोस्ट ले सकते हैं। हो सके तो जैम और मक्खन का इस्तेमाल न करें। वर्कआउट धीमी गति से करें। धीमी गति से वर्कआउट करने से ज्यादा फायदा होता है। इससे आपकी मांसपेशियों में स्थिति बनी रहने के साथ साथ रक्त का प्रवाह भी समान गति से बना रहता है। ये फास्ट वर्कआउट की तुलना में ज्यादा असरदार होता है। नई चीजें आजमाएं। फिटनेस के लिए एक ही तरीका लंबे समय तक अपनाए रहने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा एक्सरसाइज या वर्कआउट करें जिससे शरीर के हर एक अंग को स्फूर्ति और ताजगी मिले। फिटनेस के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। फिटनेस के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाने का मतलब है कि सिर्फ शारीरिक गतिविधियों तक अपने आप को सीमित नहीं रखें, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी खुद में बदलाव लाने की कोशिश करें। इससे सकारात्मक बढ़ती है और सोच के स्तर आप अपने को फिट महसूस करते हैं। साथ ही इससे दूसरे लोगों से भावनात्मक स्तर पर लगाव भी बढ़ता है। खूब पानी पिएं। शरीर को हाइड्रेट रहने के लिए दिन भर में खूब पानी पिएं। इसके साथ ही अपने पसंद के वैसे फल खाएं जिसमें पानी काफी होता है। खीरा खाएं और दूसरे फलों के जूस पिएं। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और आपको पोषण भी सही मिलेगा।